हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं थोड़ा काम में बिजी था, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है। 2000 years later। तो आज मैं एक छोटी बच्ची का पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये रहा वो रेफरेंस। छोटी बच्ची हो क्या? तो इस रेफरेंस को मैं साइड में रख करके एक HB पेंसिल की मदद से लाइटली एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, जो आपको भी करना है। जब आप पोर्ट्रेट बनाते हो तो पहले ऐसे करके एक लाइट करके एक सर्कल को ड्रॉ करना है। देन उसकी जो हेड होता है उसको वो किधर टिल्ट है या किधर झुकी हुई है उसको ध्यान में रखना है, और धीरे धीरे करके प्रोपोर्शन जजमेंट करते हुए ये काम करना है। तो यहाँ पर इसकी ये हेयर लाइन में लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये हो गया उसकी जो आईब्रोज लाइन है। तो आपको सिर्फ रेफरेंस फोटो को देखना है या जो आप बना रहे हो उसको सिर्फ देख देख करके ऐसे ही लाइन नहीं बनाना है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है। क्योंकि ये जो स्कल होता है, स्कल की जो फोरहेड पोर्शन होता है या उसके मुकाबले जो आई सॉकेट होता है वो थोड़ा डाउन या नीचा होता है, और फोरहेड थोड़ा ऊंचा होता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं नोज को लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ, और आई सॉकेट को भी लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे देख करके। तो हम जब देखते हैं कि कई आर्टिस्टों ने यूट्यूब में या कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट पेंट करते हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ चलो हम भी करते हैं। तो वो मेन चीज़ नहीं है, ड्राइंग मेन चीज़ है। क्योंकि उन सब आर्टिस्टों ने पहले ही ये सब प्रैक्टिस कर चुका है, तो इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट पेंट से कंप्लीट करते हैं सब कुछ, या ब्रश की मदद से या कलर की मदद से डायरेक्ट फोटो को या जो ड्राइंग उन्होंने बना रहे हैं उसको ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हमें भी उस मुकाम पे पहुंचने के लिए हमें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो वो धीरे धीरे करके होगा। तो यहाँ पर मैं पोर्ट्रेट की रेफरेंस देख रहा हूँ और लाइटली ड्रॉ करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लिप्स है उसको मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ ऐसे करके। तो मेरे जो पिछले वीडियोस है उस पर मैं डायरेक्ट कलर से स्टार्ट करता था, तो मैंने सोचा कि इस बार इस वीडियो में मैं थोड़ा अलग करूँ, ताकि आपको भी समझ आए कि कलर सब कुछ नहीं है, पहले ड्राइंग को क्लियर करना है। ड्राइंग मतलब कि जो ड्राइंग की फंडामेंटल्स होता है, जो प्रोपोर्शन शेप्स या जो इम्प्रेशन, इसको समझना है। देन उसको प्रैक्टिस भी करना है। तो यहाँ पर मैं कान को बना रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो एक बार लाइटली ड्रॉ करने के बाद जब देख रहे हो कि हाँ ठीक ठाक ही है, पोर्ट्रेट से मिल रहा है जो आप रेफरेंस फोटो लिए हो, तो वो हो जाने के बाद थोड़ा डार्क ऐड करते जाना है, जो मैं अभी कर रहा हूँ।
तो नोज को और भी प्रोमिनेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि इस बार इस वीडियो में मैं थोड़ा ड्राइंग की पार्ट को रियल टाइम में रखूं। तो जितना हो पाया है मैं डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप समझ पाओ कि ड्राइंग की इम्पोर्टेंस क्या है और जो आप बना रहे हो उसको आप कैसे सुधार सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ड्राइंग हो जाने के बाद मैं हैचिंग और क्रॉस हैचिंग की मदद से इसकी जो फोरहेड की पोर्शन है उसको मैं कलर कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस फोटो को देख रहा हूँ और जो डार्क एंड लाइट पार्ट है उसको मैं अलग कर रहा हूँ, और जो टर्मिनेटर लाइन है यानी कि जो डार्क एंड लाइट पार्ट है उसके बीच में जो इनविजिबल लाइन हम देख सकते हैं उसको टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पर मैं और भी डार्क ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं हैचिंग और क्रॉस हैचिंग को और एक बार दोहरा रहा हूँ, जो बैकग्राउंड पे मैं ऐसे करके शेड करते हुए जा रहा हूँ, ताकि जो फेस है उसको और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखे। तो यहाँ पर मैं जो आँख है उसको एज इट इज़ नहीं बनाया, उसको मैं छोड़ रहा हूँ ताकि ये थोड़ा अलग सा दिखे, क्योंकि मैंने सोचा पिछले जो वीडियोस है उसमें मैं एज इट इज़ बनाने की कोशिश करता था, या जो डिटेल्स है उसको मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। तो मैंने बहुत आर्टिस्टों को देखा है, उन्होंने बस एज इट इज़ नहीं बनाते हैं, वो उनके जो स्टाइल है उसको उनकी आर्ट में इंपोर्ट करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पर मैं वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो इम्प्रेशन है आँख की को देने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर जो हेयर्स है उसको मैं ऐसे ही रैंडमली देख करके कर रहा हूँ, ना कि जो एक एक हेयर से उसको मैं देख देख कर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कान पे भी जहाँ पर डार्क है वहाँ पर डार्क ऐड कर रहा हूँ, और जो लाइट पार्ट है उसको मैं लाइटली छोड़ रहा हूँ। तो इस वाले आँख पर मैं थोड़ा बहुत डिटेल्स नहीं कहूँगा, जो डार्क पार्ट है उसको मैं डार्क कर रहा हूँ, और जो मिड टोन है उसको ऐड कर रहा हूँ, ताकि जो आँखों की इस हिस्से में डेप्थ है उसको मैं दिखा पाऊँ। जो डार्क पार्ट है इस हिस्से में उसको मैं और भी ज़्यादा डार्क ऐड कर रहा हूँ, ताकि जो वॉल्यूम है इस बच्चे की फेस में वो अच्छे से दिखे। तो कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट या जो वीडियो बनाते हैं वो रियलिज्म या हाइपर रियलिज्म बनाते हैं, तो वो देख करके हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी बनाएंगे वैसे वाले पिक्चर्स या वैसे वाले ड्राइंग। तो ये सब में उलझना नहीं है, ड्राइंग में सिर्फ रियलिज्म हाइपर रियलिज्म की पीछे
दौड़ना नहीं चाहिए। कुछ कुछ चीज़ आर्टिस्टिकली छोड़ भी देना चाहिए ताकि इसकी जो बनावट है वो एक फ्लो में जाए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आइज इम्प्रेशन को ऐसे ही छोड़ दिया है, जो आप देख पा रहे हो कि इतनी भी डिटेल्स है नहीं वहाँ पर, मैं कोई भी चीज़ प्रोमिनेंट नहीं समझाया है, लेकिन वहाँ पर है वो महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिप्स पे और भी डेप्थ ऐड कर रहा हूँ ताकि जो लिप्स की वॉल्यूम है वो दिखे। तो इसकी जो चिन पार्ट है, चिन पार्ट में भी मैं कलर ऐड कर रहा हूँ। तो मैं रेफरेंस फ़ोटो को सिर्फ रेफरेंस की तरह ही यूज़ किया है यहाँ पर, और बाकी चीज़ मैंने सोच करके कि हाँ यहाँ छोड़ना है, यहाँ थोड़ा बहुत डिटेल्स ऐड करना है, वॉल्यूम को देखना है, तो ऐसे करके मैं छोड़ दिया। क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं वो सब कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो मैंने भी वही कोशिश किया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, और किस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ये ज़रूर बताना कमेंट पे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।